ग्राहक बनकर पहले रेकी की, फिर चोरी, आखिर पुलिस के हत्थे चढ़े टायर चोर। पुलिस ने दो चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए के 25 टायर व एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक बाइक जब्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पुलिस ने खुलासा। पिछले कई दिनों से शहर में लगातार चोरियां हो रही है। आए दिन चोरी की वारदातें होने से आम लोगों में भय का वातावरण निर्मित होने लगा था। चोरी का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान ने बताया कि चोरी के बाद पुलिस ने टीम गठित कर अलग अलग स्थानों पर पतारसी की। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान ने बताया कि चोरी के बाद पुलिस ने टीम गठित कर अलग अलग स्थानों पर सर्चिंग की, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी चोरी के पहले दुकान में टायर खरीदने का बहाना लेकर रेकी कर गए थे, जिसके बाद इन्होंने चोरी को अंजाम दिया था। जो कुछ दिन पहले 22-23 तारीख के आसपास आपके वहाँ पे जो टायर चोरी हुए थे, बीएमपी थाने ने टायर चोरों को पकड़ा है और टायर पर बरामद किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में कि पुलिस ने कितनी बड़ी कामयाबी हाथ में आई है? पुलिस की टीम जो कि लगातार जब से हमारी चोरी हुई है, हम भी साथ में थे और हमारे सामने ही पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी करी उनके मुखबिरों से और सब जगह, मतलब कि ऐसा कोई भी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में की तलाश ली है। टीई साहब और उनकी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके हमारे दुकान में जो चोरी हुई थी उसके चोरों को पकड़कर बहुत ही बड़ी सफलता हासिल। कितने रुपए का माल आपका चोरी हुआ था और कितने का मिला है आपको? 7 लाख रुपए का, 7,35,000 का कुल मेरा माल था और जिसमें से 6,95,000 का माल था, उसमें से कुछ 2-4, 6-8 टायर इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो अपराधी जो इनके साथ के अन्य अपराधी थे वो 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के टायर साथ में लेकर चल गए। 5-7 टायर इधर उधर मिस है, लेकिन वो भी बात चल रही है, वो भी टायर आ जाएंगे और नकदी का है, नकदी में पुलिस पूछताछ कर रही है, नकदी भी जल्द ही उसमें काम आ जा सकते। आप ये इतने बड़ा काम आपका आसान हुआ है, आपके जो टायर मिले हैं, पुलिस को क्या कहना चाहिए? पुलिस को हम आज तो नहीं, कल हमारी पूरी टीम की तरफ से और युवक कांग्रेस की तरफ से पुलिस टीम का कल स्वागत सम्मान किया जाए। क्या नाम आपका? जितेन सिंह। बताइए, आपने एक मामले का खुलासा किया है, क्या जो है मशरूका जब्त किया है और कितने आरोपी पकड़े और कब किया? 22 और 23 सितंबर की गर्मी रात्रि में मंडी के पास से टायर की दुकान पर से रात्रि में टायर की चोरी करके और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अज्ञात चोर ले गए थे। तो घटनाक्रम क्योंकि ट्रॉली में भर के टायरों को ले जाने का था तो बड़ा सिलसिले किया जा रहा था और इसमें पुलिस के द्वारा घटना के बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और मुख्य सक्रिय किए गए थे। आसपास सीसीटीवी जो फुटेज हैं उनको देखा गया था, उसके अलावा उनका संभावित जो रूट था उसकी रेकी करके पुलिस के द्वारा और तकनीकी पक्ष को मिला के मुखबिर की सूचना के आधार पर इसमें दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे चोरी में गया मशरूका कुल 7 लाख रुपये कीमती टायर जो है बरामद कर लिए गए हैं। साथ में ही चोरी की घटना में उपयोग किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। सर, क्या आदतन अपराधी थे सर, इन्होंने जो है ट्रेस किया चोरी को, तो किस तरह का रिपोर्ट टीम को दिया जाए? इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनको नगर इनाम की घोषणा की गई है और पूरी बीएमपी थाना की पुलिस और टीआई इनके द्वारा बड़ी मेहनत से इसको पूरा रिकॉर्ड किया। सर, आदतन अपराधी थे क्या सर? इसमें आरोपी जो इमरान है यह जितेंद्र नगर का ड्राइवर था और इसके विरुद्ध पूर्व में चोरी का अपराध दर्ज है। सर, बताया जा रहा है जो पार्टी है वो काफी सक्षम थी, उन्होंने फिर भी इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसा क्यों? अभी इसकी माली हालत ठीक नहीं थी। इसके जो आरोपी जितेंद्र है, इसके पास डंपर है, डंपर के टायर 5-6 महीने में इनके घिस जाते हैं। तो ये 2 दिन पहले दुकान पर पहुंचा भी था और वहां पर टायर की कीमत वगैरह जानकारी लेके गया था। बाद में इसके दिमाग में और ड्राइवर ने ऐसी योजना बना के अपने साथियों के साथ में इस घटना को अंजाम दिया है। सर, बताया जा रहा है कि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। इसके 2 साथी जो एक हाली था और एक इसका पूर्व ड्राइवर रह चुका है, वो दोनों अभी इसमें घटना के बाद से फरार हैं, तो पुलिस उसकी जल्दी गिरफ्तार करेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली का क्या, इस केस से क्या मामला है? ये ट्रैक्टर ट्रॉली घटना में उपयोग की गई थी और उसी में ये टायर भर के ले गए थे।